हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो रिचुअल के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पेंडास डेटा फ्रेम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की, यानी कि कल जो एट्रीब्यूट्स हमने खत्म करे थे आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ स्पेशल कीवर्ड्स को पढ़ के चलेंगे। चाहे आप उन्हें एट्रीब्यूट्स कैटेगरी में बोलो, बिल्कुल एट्रीब्यूट्स कैटेगरी में ही वो आते हैं, लेकिन उनका रोल इन पुराने वालों से बिल्कुल अलग है। यानी कि अगर बात करी जाए ना, अगर बात करी जाए, उनको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बिना उसके, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो जरूरी इतना नहीं है क्योंकि डेटा फ्रेम वाला सेक्शन अब 11th में नहीं रहा, 12th में आ गया। लेकिन अगर आप 12th या 12th से आगे फॉरवर्ड होके अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो बेटा जी तैयारी कर लो, डेटा फ्रेम के इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट हर जगह है, हर जगह। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की डेटा फ्रेम्स के अंदर, डीएफ वाले सेक्शन के अंदर ऐसे चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनका रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनका यूज भी बताऊंगा, यूज करने का मेथड भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा और अप्लाई भी करेंगे प्रैक्टिकली। कौन कौन से चार की बात हो रही है? सबसे पहला एलओसी, लोकेशन, इंटीग्रल लोकेशन आईएलओसी, ठीक है, एट, और लास्ट वाला IAT, इंटीग्रल लोकेशन या इंटीजर पोजीशन पर एट अप्लाई करना। इन चारों की आज हम लोग बात करेंगे, या इनडायरेक्टली बोलूं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराने आया हूं, मुझे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व कराने हैं इन सबका पर्टिकुलरली यूज कर करके। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग ऑल, अरे जय श्री कृष्णा, जय राम जी की, हेलो भरत, वेरी गुड इवनिंग जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, सबका बहुत बहुत स्वागत। वंशिका बेटा वेरी गुड इवनिंग, पूजा जांगिड, मुझे पूरी उम्मीद है माइट बी पॉसिबल जो भी है, अच्छा स्टूडेंट, वेरी गुड, जय श्री कृष्णा बेटा जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। दक्ष एकदम बढ़िया बेटा, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं एकदम मक्खन, मस्त यार, मस्त। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, लास्ट क्लासेस के अंदर ये चीज कवर अप कर दी है, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछली क्लास में कवर अप करी थी कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा सीरीज को कैसे ऐड करोगे और उनका एडिशन करके हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेटा फ्रेम, ये मैंने हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ। ये सारी चीजें मैंने बनाकर भी दिखाई है, यूज करने के मेथड, तरीके, सब चीजें बताई है। मुस्कान हेलो जी बेटा, मोस्ट वेलकम। सुदर्शन हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम बेटा। ठीक है, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी है वो है गाइस सिर्फ और सिर्फ उन चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जिनका हम यहां पे यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी नाम बोल लो। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना सारे लोग जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना सारे लोग। ठीक है, मैंने भी कर ही दिया है, अपना वीडियो अपनी स्ट्रीम तो जरूर लाइक करेंगे। ये है हमारे बेसिक एट्रीब्यूट्स जिनको हम कल खत्म कर चुके थे, हमारी कल वाली लास्ट क्लास के अंदर ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमने अप्लाई किए हुए, विच आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, they are also important, but अगर बात करी जाए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो अब हम पढ़ेंगे वो है LOC, ILOC, AT और IAT। अब इन चारों का यूज क्या है, इन चारों को अप्लाई करने का तरीका क्या है, बताता जाता हूं और स्टार्ट करते जाते हैं फटाफट प्रैक्टिकल सेक्शन के साथ। जब तक आप बाकी सारे लोगों को बुला लो, अगर कोई भी और फ्रेंड जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जिसकी इच्छा हो कि हाँ यार कोडिंग को भी सीखना है, कोडिंग भी अब चालू हो रही है। एक्चुअली मैं एक नई प्लेलिस्ट पे काम कर ही रहा हूं कि पाइथन से लेकर सी, सी प्लस प्लस
C++, HTML में web development, Python क्या कहते हैं programming, इस तरीके की सारी languages का combination करके मैं आपको चीजें apply करना सिखाऊं। तो most probably हमारी नई series चालू होने वाली है Python से relate करते हुए सारे projects को और programs को हम लोग start करेंगे and we'll move forward for web development, we can go for other programming languages like we can say C++, Java का use करके we'll go for Android Studio, जहां हम छोटी-छोटी apps बनाना या किस तरीके से हम app development को आगे लेकर जाएंगे ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मेरा पूरा टारगेट यही है कि हम इसी तरीके से सारी चीजों पे वर्क करेंगे। क्यों सुदर्शन, क्या हो गया भाई, बहुत मुश्किल हुआ आपको ढूंढने में? क्यों भाई यार, ऐसा नहीं सुदर्शन, तो हमारे पुराने वाले चैनल पे पूछ लेता ना बेटा, अकाउंट अड्डा वाले चैनल पे किसी भी बच्चे से पूछ लेता, मोस्ट वेलकम कभी भी यार। सारे बच्चों को पता है कहां पर क्लासेस हो रही है, कब से हो रही है, कितने टाइम से रेगुलर पढ़ा रहा हूं। दोनों टाइम होती है, एक सुबह 12 बजे होती है और एक शाम को 8 बजे होती है। आज अगर मैं बोलूं ना, लाइक आज मुझे एक महीने से ऊपर हो गया। वेदू जय महाकाल, मोस्ट वेलकम, स्पर्श हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो गाइस बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन की, आ जाओ फटाफट कोडिंग वाले सेक्शन पे। सिद्धेश्वर हेलो बेटा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो सारे लोग, इंपोर्ट पैंडास एज पीरी, सारे लोग ध्यान रखना, इंपोर्ट पैंडास एज पीरी हमने अप्लाई करा। ठीक है, अच्छा पहले तो मुझे बता दो सारे लोग कि कोई कोडिंग में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा सेक्शन विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन, बिल्कुल बता देना, मैं दोबारा से सारी चीजों को जरूर रिवाइज करा दूंगा क्विकली। ठीक है, एक क्विक रिकैप देंगे जिसमें मैं सारी चीजों को एक बार रिवाइज करा दूंगा, पुरानी चीजों को, राइट। चलो, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, सबसे पहला पैकेज हमने यहां इंपोर्ट करा, वही पुरानी कोडिंग हमारी, सिंपल डिक्शनरी से स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट करके। कल के जैसे ही सेक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूं, मान लीजिए एक मैंने यहां पे कॉलम पोस्ट करा है रोल नंबर नाम से, तो वैल्यू मान लीजिए मैं दे देता हूं 1 2 3 4 5, हमारा सिंपल सा सेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड कॉलम की जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलम हमारा है बेटा जी यहां पर नेम, और नेम के अंदर इजी गोइंग वैल्यूज रखते हैं, फालतू के इतनी कोई हार्ड हार्ड और बड़े बड़े नाम रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल वैल्यूज के थ्रू अपन कोडिंग्स को अप्लाई करेंगे। मैं देखो, कंटेंट लगाना सीखो, जरूरी नहीं है कि कंटेंट के बियॉन्ड जाकर आप एक्सेप्शनल चीजों को ज्यादा पढ़ो, जरूरी नहीं है, एक्सेप्शनल चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, अभी बेसिक जो एग्जैक्ट चीजें है ना, कैसे कोडिंग अप्लाई होती है, क्या क्या चीज लगानी होगी, कैसे लिखना होगा, ये सब चीज अप्लाई करना सीखो। अगर ये सब चीज अप्लाई करनी आ गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अच्छा एक वार्निंग, एक एरर आई थी, सॉरी यहां पे कॉमा आएगा, हमने कॉमा इंपोज करा, एरर रिमूव्ड। अप्लाई करते हैं हम लोग DF1, डेटा फ्रेम 1 बनाते हैं, देख लो आप लोग जल्दी से, आपके सामने क्रिएट करके दिखा रहा हूं, पीडी डॉट हमने अप्लाई करा हमारा। अच्छा एक गलती जो सबसे होती है, आप लोग भी जब इस तरीके से डेटा फ्रेम लिखते हो ना, तो जल्दीबाजी में क्या कर जाते हैं, देखो कोडिंग करते वक्त में जल्दीबाजी में क्या मिस्टेक हो जाती है, फ्रेम का F, डेटा का डी, ये दोनों कैपिटल होने चाहिए तब करेक्ट है। अगर आपने दोनों में से किसी एक को भी स्मॉल कर दिया ना, गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, पूरा कोड सही होगा बट ये एक बच्चों वाली गलती ना फंसा देगी आपको वहां पर। तो ध्यान रखना डेटा फ्रेम कैसे लिखा जाएगा, डी और एफ दोनों कैपिटल होंगे। अच्छा किससे बना रहे बेटा जी, डिक्शनरी D1 से बना रहे। अच्छा एक एट्रीब्यूट, कल वाली कोडिंग का ही एक एट्रीब्यूट इंडेक्स यहां पर है, इंडेक्स मैं यही लगा देता हूं, मान लीजिए इन वैल्यूज में क्योंकि स्टूडेंट्स का डेटा है तो मैं इंडेक्सिंग दे देता हूं S1 S2, सेम कल वाला ही कोड अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कल बनाया था उसी चीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं क्या हर बार कोड रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बार बार कोडिंग को, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो अच्छा है उनको भी बार बार चीजों को देखने में और सीखने में मजा आता है। ठीक है, ज्यादा बढ़िया चीज है ये। सर जी आप अकेले ही खेल रहे थे, मेरे साथ क्यों नहीं खेला स्पर्श? एक्चुअली मैं खेल नहीं रहा था, एक्चुअली मैंने कुछ अपग्रेड करा था आज, एक्चुअली मेरे पास जब मैंने पबजी ऑन करा था तो प्रॉब्लम ये थी, मेरी आईडी चलना बंद हो गई थी उस टाइम पर, तो मैंने योगा VPN लगा के मैंने उसको अपडेट करा, और अपडेट करने के बाद एक्चुअली मैंने बस एक गेम जब मैंने ट्राई करा कि लैग हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे फोन के अंदर, क्योंकि एक्चुअली क्या मैम नया फोन लेने वाली है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मेरे इस फोन का पूरा डेटा मैम के फोन में ट्रांसफर करके मैम के फोन में ज्यादा अच्छे से खेल पाऊंगा गेम। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वही चेकआउट कर रहा था कि किस तरीके से मुझे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, बाकी सारी चीजें, तो बाकी ऐसा खेल ही रहा था, अब चालू करेंगे रोज। नानी नान रे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भरत, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। देखो सारे लोग जल्दी से प्रिंट के अंदर DF1 की प्रिंटिंग करनी है, आपके सामने सारी चीज बता दी, एकदम बढ़िया। हर्ष आप सुनाए क्या हालचाल, मोस्ट वेलकम। देखो फटाफट सारे बच्चे,
ठीक है, df1 क्रिएट करा pd.dataframe, d1 से स्टार्टिंग करी, इंडेक्सेस बना दिए क्योंकि पांच रिकॉर्ड है, पांचों का इंडेक्स s1 s2 s3 s4 s5 ठीक है। अप्लाई करते हैं, कोडिंग को रन करते हैं, आपके सामने डेटा फ्रेम तैयार रेडी है, बिल्कुल मक्खन तरीके से हमारा डेटा फ्रेम आपके सामने बिल्कुल रेडी। सारी वैल्यूज का ध्यान रखना मेरे सारे बच्चे, रोल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, नेम दिया हुआ है ABCDE, सारी वैल्यूज आपके सामने। अच्छा, अब सारे लोगों से क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, अबे एक बात बता हर्ष, आइसक्रीम तू अकेले अकेले खाता है ना, मुझे सिर्फ भेजने की बात करता है, भेजता नहीं है, तो मैं नए फोन की पार्टी मैम से क्या कहते हैं मांगना ना बेटा, जब मैम बोलेंगी तब। जी सर जी, छोड़ो पबजी इंडिया खेलेंगे, अब तो मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इस पर चलता है, देख जरूरी नहीं है यूट्यूब पे इतना जल्दी रिस्पॉन्स आए, यू शुड बी लाइक हैव सम पेशेंस, और नहीं तो कोई एक परफेक्ट क्लैन और एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना, एक टीम बना जिनके साथ खेलना शुरू हो जाए, उसके बाद में रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिलता, जरूरी नहीं है मिलता। ठीक है सर, आज सुबह जो नान सर किए ना सर, मजा आया था, बिल्कुल एकदम भरत, बिल्कुल यार, वेरी गुड। चलो आईपीएस सर, हाँ फोन अबे फोन की पार्टी तो मैम से मांगना ना, मैं थोड़ी ले रहा हूं नया फोन यार, कोई वैल्यू मिसिंग हो जाए तो उसकी जगह क्या आएगा, पूजा जांगीर बेटा, जो भी हम अगर कोई भी वैल्यू मिस कर देते हैं या कोई भी वैल्यू हम हटा देते हैं उसकी जगह वैल्यूज आती है नान। कौन सी वैल्यूज यहां पर यूज करते हैं, NaN ठीक है, नॉट अ नंबर वैल्यू। राहुल शर्मा वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आईपीएस अर्शन आप तो खेल गए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, अपन तो खेलने के लिए बने भाई साहब हमेशा। अभिनव आपने सर पर आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, अबे शादी में मैं ही नहीं गया था, तुझे क्या बुलाऊंगा, मेरी शादी हुए इतना टाइम हो गया अब तो, गंदे बच्चे। सर मैंने भी पबजी डाउनलोड कर लिया है, क्या बात है वेदू, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल चालू करेंगे कल से। ठीक है चलो चलो, पहले पढ़ाई देखो, अभी पबजी की बात है, अब बाद में बाकी बातें बाद में गाइस, पहले पढ़ाई, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं फिर उसके बाद में वील टॉक ऑन द लास्ट टॉपिक्स एट द एंड। ठीक है जी, चलो मेरा क्वेश्चन सुनना आप सारे बच्चे ध्यान से, फटाफट सबसे पूछ रहा हूं, लेट्स गेट रेडी फॉर दिस, ये मैं आपको समझाने भी वाला हूं और ये चीज हम अप्लाई भी करेंगे। मुझे क्या चीज चाहिए गाइस, आपके सामने मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एरर आती है क्या, नहीं 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 बंशी का, यहाँ पे नॉन वैल्यूज रहेंगी, यहां वैसे भी हम कोई वैल्यू मिस नहीं करते, हम कोई वैल्यू हटाते नहीं है, उसका रीजन क्या है बेटा जी, हम लोग यहाँ पे np.nan लगा सकते हैं, बाकी चीज कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर कैलकुलेटिव सेक्शन में कुछ भी मिसिंग होगा तो वो अपने आप में नान दे देगा, है ना। अच्छा एक ऊपर किसी एक बच्चे का और क्वेश्चन था, किसने पूछा था मुझसे डेटा टाइप से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था, किसने पूछा था, मैं एकदम से चेक करके मैं आगे चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है मैंने देखा ही नहीं था बिल्कुल एकदम, शायद वंशिका थी या पता नहीं कौन सा बच्चा था, किसी एक ने मुझसे डी टाइप्स के लिए भी कुछ पूछा था अभी चैट में। पूजा जांगिड ये हो गया, कोई मिसिंग वैल्यू का हो गया, अभिनव का क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है माइट बी पॉसिबल किसी ने अगर डी टाइप से रिलेटेड पूछा था तो वो मैंने कल की क्लास में अप्लाई करके बता दिया है। डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, यहाँ कॉलम वाइज आता है, रोल नंबर का डेटा टाइप क्या आएगा इंटीजर, नेम का डेटा टाइप क्या आएगा ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। सर एक बार वैल्यू मिस करके दिखा दो ना, वंशिका वैल्यू मिस नहीं होती है, हम वैल्यू मिस नहीं करेंगे, अगर मैं यहां से कोई सी वैल्यू कम कर दूंगा ना तो वो कम का मतलब मैं यहां पे नान लगा सकता हूं, ठीक है NaN वैल्यू हटा सकता हूं, बाकी एस सच मैं हटा नहीं सकता। करो प्लीज क्वेश्चन था सर, अच्छा बिल्कुल एकदम सिंपल सा, अच्छा ओके सुदर्शन ओके, डी टाइप्स क्या चीज है बेटा जी, डी टाइप्स मतलब होता है हर कॉलम का डेटा टाइप हमें बताना है, ठीक है। जो मिस करने की बात है, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज बोलूं, वो मिस करना क्या चीज होती है, मान लो मैं ये पांचवी वैल्यू नहीं देता तो वॉट शुड आई अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस, np.nan वैल्यू आई अप्लाई, ठीक है। अच्छा एनपी में अब यहां पर वार्निंग देगा मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नहीं किया, पैकेज इंपोर्ट नहीं कर रखा है हमने, हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy as np, अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, दैट शुड बी अ काइंड ऑफ मिसिंग वैल्यू, कि यहां पे कोई मिस वैल्यू होती है तो मिसिंग वाली वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, np.nan से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी सुनना, अभी अच्छी चीज अभी आई नहीं है, नॉन वाली वैल्यूज का गेम क्या होगा, मिसिंग वैल्यूज का गेम क्या होगा, नॉन वैल्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे अगर कुछ भी और चीजों की कैलकुलेटिव सेक्शन बनेगा तो ये काम होगा जी वंशिका, पर अगर np.nan ना लिखा हो तो फिर बेटा वो अलग ही आउटपुट देगा, बता देता हूं मैं, वैल्यूज ही गलत हो जाएंगी ना, आप बताओ बनेगा कैसे, सोचो मैंने यहां पर सेव करा, आप खुद देखो, ये ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, चेक करते हैं कि वैल्यूज में क्या एरर आएगी नहीं आएगी, चेकआउट करते हैं, यहां वैल्यूज की मैचिंग ही नहीं है, आप खुद चेक करके देखो, अगर मैं यहां पर वैल्यू
वैल्यूज हटाता हूं, सर 4 ही लिखे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, एरर आ जाएगी, एरर आएगी वो तो। अगर आप वैल्यूज ही गलत दोगे, आप ये डिक्शनरी को चेक करो ना, आप डेटा फ्रेम बनाना चाह रहे हो, डेटा फ्रेम में 5 इंडेक्स दे रहे हो, इसका पांचवा इंडेक्स है ही नहीं, पांचवे इंडेक्स की वैल्यू मिसमैच हो गई, पांचवे इंडेक्स पर वैल्यू क्या चीज हो गई है, मिसमैच हो गई है, इसलिए वो वहीं पर गलत दे देगा। शेप परफेक्ट है ही नहीं, क्यों नहीं है आप खुद देखो, शेप क्या होना चाहिए, शेप आपका वैल्यूज का शेप आ रहा है 4.2, जबकि होना कितना चाहिए, इंप्लाई करना चाहिए 5.2 को। वो सर आप टेलीग्राम पर रिप्लाई क्यों नहीं करते, तेरे को रिप्लाई करा था मैंने नेक्स्ट डे चैट पर भी, यूट्यूब चैट पर भी मैंने तेरे बारे में बताया था, और मैंने वहां पे बच्चों को बोला था कि अगर तू फ्री हो तो एक बार बात करियो मुझसे, तू कॉल करियो मुझे, आज अपन कॉल पे बात करते हैं, आई विल गिव यू अ कॉल आफ्टर 9 or 10, मैं एक बार फ्री होके मैं तेरे को कॉल मारता हूं, डन, ठीक है, डेफिनेटली फॉर श्योर आई विल गिव यू अ कॉल, पक्का स्पर्श, आज हम बात करते हैं कॉल पे, ठीक है। अच्छा सिद्धेश्वर, अगर हम लोग एसक्यूएल की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यही सोच रहा हूं कि कल से जो 12 बजे की क्लास है ना, शुड आई स्टार्ट विद द मैसिकल पार्ट, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे जब एग्जाम्स की डेट या कुछ भी चीज फाइनलाइज होगी, तो क्वेश्चंस तब उठा लूंगा। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि 12 बजे वाली जो दिन की क्लास होती है ना, वो मैं डेफिनेटली फॉर श्योर स्टार्ट कर दूं, किसके साथ में, हमारे मैसिकल वाले सेक्शन के साथ में, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनका मैसिकल वीक है या उनको किसी भी क्वेरीज में, और जिन्होंने अभी तक एक्स्ट्रा क्वेरीज नहीं पढ़ी, जॉइंट्स नहीं पढ़े, डिटेल में कैसे कोडिंग करेंगे, कमांड्स कैसे लगाएंगे, अगर वो वीक है, तो 12 बजे वाली क्लास में हम लोग वो शुरू कर देते हैं कल से, डन। कल से 12 बजे वाली क्लास में मैं MySQL शुरू कर रहा हूं विद एवरी काइंड ऑफ फंक्शन डिटेल में, और उल्टी सीधी कोडिंग्स लाऊंगा मस्त मस्त वाली, मतलब अपन बेसिक बेसिक तो पूरा पढ़ा हुआ है, बेसिक तो दो दो तीन तीन बार हो चुका है, एक क्विक रिकैप देंगे और मैं उनका प्रैक्टिकल भी कराता जाऊंगा डिटेल में, मतलब एक एक कोड को, एक एक कमांड को, एक एक क्वेरी को हम पूरा फुल ऑन डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल, तो तुम्हारा उसमें बेनिफिट क्या होगा, तुम्हें काफी सारी अच्छे से चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो अब इस पर आ जाओ, आज का ये वाला सेक्शन हम लोग एंड करते हैं, यहाँ LOC वगैरह सब चीज लगाते हैं, देखो सारे बच्चे फटाफट से, सेम मैंने आपका D1 जो था, DF1 जो था वो चेंज करा, DF1 अप्लाई करते के साथ ही आंसर देखो बिल्कुल परफेक्ट बन गया हमारे सामने, बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, मैं तेरे को कॉल करता हूँ, डेफिनेटली फॉर श्योर यू हैव सेंड मी द मैसेज, मिल गया मुझे, मैं बिल्कुल कॉल करता हूँ फ्री होके एक बार, ठीक है। अब सारे लोगों से क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान से सुनना, इस DF1 में, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस DF1 में पहली कॉलम है रोल नंबर, नेम, ठीक है, और इंडेक्सेस क्या क्या है बेटा जी, S1, S2, कैपिटल स्मॉल चलेगा, कैपिटल है मैं कैपिटल बना देता हूं, S1 है, S2 वैल्यूज है, S3 है, S4 है, S5 है, एक नया कॉलम बनाना है मार्क्स, जिसमें सबके मार्क्स क्या देने हैं, आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, सबके मार्क्स कितने देने हैं, 9, एक नया कॉलम बनाना है मुझे यहां मार्क्स, और सबके मार्क्स कितने देने हैं, 9, 9, 9, 9, 9, 9, जल्दी से कोडिंग YouTube पर फटाफट से लिख दो, क्या टाइप करूं ये चीज बन जाए, बोलो फटाफट सारे के सारे लोग, व्हाट शुड आई टाइप देयर कि ये चीज क्रिएट हो जाए, बताओ जी, देखते हैं कौन सा जना बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताएगा, लेट्स सी, फटाफट टाइपिंग चालू करो, देखे किसको LOC का आइडिया है, LOC, ILOC या कैसे बनाना है, कौन सा ये आंसर लिखता है फटाफट से, स्केलर वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, 9 आना चाहिए पांचों कॉलम के अंदर, चालू करो कोडिंग लिखना, आप लोगों को बता दूं बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पक्का 110% श्योरिटी है, ये एक क्वेश्चन श्योर आएगा 1 mark या 2 mark के अंदर, अभी क्लियर कर रहा हूं, 1 mark 2 mark में ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि आपको एक नया कॉलम बनाना है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज इंसर्ट करानी है, तो वो फिक्स भी हो सकती है, अलग वैल्यूज भी हो सकती है, कैसे बनाएंगे लिख के भेज दो फटाफट जल्दी से, सिद्धेश्वर वेरी गुड नाइस ट्राई बट गलत, बाकी लोग ओके, वंशिका वेरी गुड नाइस ट्राई, बाकी लोग फटाफट से चालू करो जी, क्या अप्लाई करूं बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, और वीडियो लाइक कर देना सारे लोग, फटाफट से लाइक ठोक देना जल्दी से, वेरी गुड स्पर्श क्या बात है यार, परफेक्ट नाइस ट्राई बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, देखो छोटी छोटी चीजें क्या है बेटा जी, मैं बता देता हूं, एक तो हम DF1 को प्रिंट भी करेंगे, हर्ष क्या बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, DFD कर दिया तूने, DF1 होना था, डॉट मार्क्स विल बी इक्वल्स टू 9, ओके, और कोई जना, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ट्राई दिस,
कोई भी ऐसा जना जो ये वाली चीज ट्राई करना चाहे, सारे मेथड लगा के बता रहा हूं, सारे के सारे मेथड लगा के बता रहा हूं, देखते जाओ। सबसे पहला तरीका हम यूज कर रहे हैं df1, हमने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और सिंगल कोट्स के अंदर कॉलम का नाम लिखा, यानी कि मैं डेटा फ्रेम 1 के अंदर एक नया कॉलम ऐड करने वाला हूं जिस कॉलम का नाम क्या है, मार्क्स हमारे कॉलम का नाम है, और कितनी वैल्यू असाइन कर रहा हूं उसको, इक्वल्स टू में मैंने 9 असाइन कर दिया। क्या असाइन करा, मैंने df1 में एक नया कॉलम बनाया मार्क्स कॉलम, जिसको वैल्यू कितनी असाइन कर दी बेटा जी, 9 असाइन कर दिया। ठीक है, रन करके चेक कराता हूं, आंसर चेक करते हैं हम लोग। देखो बेटा जी, ये रहा आपके सामने, सबको विजिबल है क्या, फटाफट से बता दो यस और नो, समझ में आया या नहीं आया। ओपी स्पैम मारो, जल्दी से ओपी स्पैम कर दो फटाफट से। मार्क्स वैल्यू देखो सारे के सारे लोग 99999, डन। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और चीज ट्राई करते हैं, एक नया कॉलम और बनाना है, मुझे एक नया कॉलम और चाहिए। ठीक है, कौन सा कॉलम बताता हूं मैं, अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक नया कॉलम और क्रिएट करना है। सारे लोग ध्यान से सुनना, न्यू कॉलम जो होगा वो यहां बनेगा क्लास के नाम से, और सबकी क्लास जाएगी 12th, सबकी क्लास क्या जाएगी 12th। इसको हम ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से, जो सारे लोग डॉट वाला मेथड बता रहे थे ना, उस वाले को लगाकर हम लोग ट्राई करते हैं कि विल दैट डॉट मेथड विल वर्क और नॉट। यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं df1 डॉट, मैंने कॉलम का नाम लिखा क्लास, और वैल्यू कितनी कर दी बेटा, सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया 12। सारे लोग ध्यान से देखो, सेकंड मेथड भी मैंने यहां पे ट्राई करा, सेकंड मेथड भी मैंने यहां पे लगाया, df1 डॉट लगा के मैंने कॉलम का नाम दिया, इज इक्वल्स टू मैंने रोमन नंबर्स के फॉर्म में दिया, जो आपकी कैसी वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज के फॉर्म में दिया। वेरी गुड स्पर्श, वेरी गुड वंशिका, बिल्कुल ट्राई कर रहे हम लोग यहां पे। मैंने यहां पे 12th लिख दिया, जो हमारी क्लास थी वो मैंने यहां पे अप्लाई करी। सेव करते हैं, रन करके चेकआउट करते हैं कि क्या हमारा क्लास कॉलम भी क्रिएट होगा क्या, बताओ सारे लोग, सबको विजिबल है क्या, बना क्या, बताओ कहीं पर भी, बोलो जी, बोलो क्या ये चीज विजिबल हुई क्या, बताओ जी, बताओ। df1.class will be equals to, हमने क्या दिया, क्लास की वैल्यू 12 असाइन कर दी। ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ क्या करता है बेटा, ये वैल्यू चेंज करने का काम करता है। अगर किसी की वैल्यू बदलनी होगी तो हम बदल सकते हैं, बट ये नया कॉलम क्रिएट नहीं कर रहा, ये डायरेक्टली नया कॉलम क्रिएट नहीं करेगा। नया कॉलम अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर लाइन कैसे ड्रॉन करें टेबल में, बता दो को क्या, बता दो के एक बार, बता दो के एक बार, सिद्धेश्वर लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है तेरे को भाई, टेबल में कौन सी लाइन आ गई भाई मेरे, कौन सी लाइन बनानी है, कौन सी लाइन, यहां कोई लाइन नहीं बनती हमारी, इसमें कोई लाइन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टेबल वगैरह में, माइसाइकल में, या किस चीज में, कौन सी जगह बताइयो, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, अब इसको करने का सही मेथड क्या है, ध्यान से सुनना मेरे सारे बच्चे, इसको करने का सही मेथड है, देखो सारे लोग, df1.loc। अब मैं आपको loc का यूज सिखा रहा हूं, loc समझना कैसे काम करेगा। df1.loc क्या चीज करी मैंने, मैंने आगे दिया है कोलन कॉमा। सारे लोग ध्यान से देखो, मैंने क्या चीज अप्लाई करी है, मैंने अप्लाई करा है एक तो कोलन, कोलन मतलब क्या चीज बोली गई है कि रो, सारी रो में वैल्यूज आनी चाहिए। पहला सेक्शन क्या होता है, रोज का, और दूसरा सेक्शन होता है कॉलम्स का। मैंने यहां दिया कॉलम में सिंगल कोट्स कि मैं एक नया कॉलम यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, दैट कॉलम नेम इज क्लास, और कितनी वैल्यू असाइन कर दी मैंने, 12 असाइन कर दिया। इसको रन करके चेक करके दिखाता हूं, पहले देखो सारे लोग, ये देखो पहले तो ये वाला, ये देखो सारे लोग, ये आपके सामने मौजूद है, बताओ जी आया क्या समझ में, फटाफट से बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या। df1.loc ये आगे, अब ये df1.loc का सिंटेक्स क्या है समझाता हूं पूरा का पूरा, इसको अच्छे से समझना। जब भी आप डेटा फ्रेम्स के ऊपर loc लगाओगे, loc का सिंटेक्स क्या है ध्यान से सुनना, आप यहां बताते हो स्टार्टिंग रो, मतलब रो शुरू कहां से है, या ट्रिपल एस लगा सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं। आप बता रहा हूं स्पर्श, बिल्कुल बता रहा हूं आपको, पता है क्या सेक्शन लगाना है, ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एलओसी के अंदर यहां पे दो सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से दो सेक्शन से बताता हूं। आगे वाला सेक्शन होता है रोज के लिए, और पीछे वाला सेक्शन होता है कॉमा से सेपरेट करके, दूसरा सेक्शन होता है कॉलम्स के लिए। ठीक है, और जो भी नई वैल्यू असाइन करनी है वो आप नई वैल्यू यहां पर असाइन कर दो। ठीक है,
बिल्कुल स्पर्श बिल्कुल, लेकिन ये हमारे ऊपर है ना, आपको पता ही नहीं है। अगर कल को एमसीक्यूज में, सुनना मेरी बात को, कल को एमसीक्यूज में एबीसीडी में चार पार्ट्स आपको दिए और ये वाला मेथड जो था ना ये लगाया ही नहीं तो मुसीबत हो जाएगी ना। अगर उन्होंने एलओसी मेथड लगाया तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस है। इस चीज को ही हमें समझना है कि अगर कल को एमसीक्यूज में ये सिंपल वाला मेथड नहीं दिया, अगर उन्होंने कौन सा मेथड दिया, ये एलओसी वाला मेथड दिया, तो आप सही ऑप्शन कैसे चूज करोगे ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझा रहा हूं, सुनो आप फटाफट जल्दी से। एलओसी में क्या चीज होती है? एलओसी, आईएलओसी, एट और आईएटी, चारों के अंदर क्या चीज होगी? दो सेक्शंस बनेंगे, एक सेक्शन आगे वाला रोज के लिए और पीछे वाला सेक्शन कॉलम के लिए। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस रो में भी पता है क्या कर सकते हो आप? ट्रिपल एस लगा सकते हो। ट्रिपल एस रूल अप्लाई होता है हमारा। ट्रिपल एस रूल मतलब वही चीज, स्लाइसिंग, आपका स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। यहां पर ट्रिपल एस लगा सकते हो। ये एस का मीनिंग है स्टार्ट, ये एस का मीनिंग है स्टॉप, ये वाले एस का मीनिंग है स्टेप। सेम कॉलम्स में भी होता है, कॉलम वाली जगह पे भी आप स्लाइस बना सकते हो ट्रिपल एस। हमारा सेम रूल, पहली चीज क्या है? स्टार्ट वाला सेक्शन। दूसरी चीज क्या है बेटा जी? स्टॉप वाला सेक्शन। तीसरी चीज क्या है हमारा? स्टेप वाला सेक्शन। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। सर एलओसी कॉलम ऐड करने के लिए यूज होता है क्या? बिल्कुल मुस्कान, एलओसी का यूज करके हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं सबसे आखिरी में। इवन कॉलम भी अलाउड है और रो इंसर्ट करना भी अलाउड है। आप पता है आप इससे एक नई रो भी इंसर्ट करा सकते हो। सारे लोग जो एलओसी है ना, एलओसी का यूज करके नया रो इंसर्शन भी अलाउड है। बट दो मिनट वेट करो, रो से पहले जो काम की चीज है वो सिखाता हूं सबको। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? दो मेथड आपके सामने ये रहे, किन दो मेथड से आपने दो नए कॉलम ऐड करे, ये समझ में आया या नहीं आया बोलो फटाफट जल्दी से, यस और नो बताओ। सारे लोग जल्दी से ओपी स्पैम मारो, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई फटाफट से बोलो जी, फटाफट से बोलो। सबको क्लियर? एलओसी सबको क्लियर? बेसिक एलओसी लगाना सबको क्लियर? एलओसी में पता है, एलओसी में दो सेक्शन काम कर रहे हैं, एक आगे वाला सेक्शन रोज के लिए है, पीछे वाला सेक्शन कॉलम्स के लिए। ध्यान से सुनना, आगे वाला सेक्शन किसके लिए? रोज के लिए, पीछे वाला सेक्शन कॉलम्स के लिए। ठीक है, दूसरी चीज फिर से सुन लो, बता रहा हूं स्पर्श, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कभी भी कोई भी कॉलम ऐड करो df1.loc, आगे क्या चीज होती है? आगे होता है सेक्शन रोज के लिए। मैं चाहता हूं सारी रोज, अभी बता रहा हूं सिद्धेश्वर, दो मिनट वेट कर, ILOC को अभी हटा दे सिद्धेश्वर, ILOC को भूल जा, मेरी बात सुनना। सब बच्चों की गलती यही होती है, तुम सब चीज एक साथ खाना चाहते हो। सोचो एक थाली में चार तरीके की सब्जी है ना, दो तरीके की चपाती मान लो, एक आलू पराठा और एक सिंपल नान, बटर नान प्यारा सा है ना, दो तरीके की स्वीट्स हो गई और एक कोई ठंडी लस्सी या कुछ बड़ी प्यारी सी चीज हो गई खाने में, क्या सब चीज एक साथ खा जाओगे क्या? एक ही गस्से में सारी चीज मिक्स करके एक साथ खा जाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है। Everything will take some time. पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मैं पहले एलओसी समझाना चाहता हूं। अगर सबको एलओसी समझ में आ जाएगा ना, तो मैं ILOC, एट और IAT ये बहुत इजीली समझा पाऊंगा। इसलिए पहले एक चीज को बिल्कुल क्लियर करो। सबको क्लियर यहां तक? श्रेया वेरी गुड इवनिंग बेटा, मोस्ट वेलकम जी। एक साथ नहीं हो सकता। तुम ये डिफरेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप जब भी डेटा फ्रेम में भागने की कोशिश करोगे ना, जैसे भागने की कोशिश करोगे ना वैसे ही फंस जाओगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है जी, अब सारे लोग ध्यान से सुनो, एलओसी का जब आप कोई भी नया कॉलम आप एलओसी में बनाओगे, आपको बताना होगा आगे वाले सेक्शन में एक कोलन लगा के बताना होगा। श्रेया वेरी गुड इवनिंग बेटा, मोस्ट वेलकम। एक कॉलम लगा के आपको बताना होगा कि रो कितनी रोज में ये वैल्यू जाए, कितनी रोज में यहां पर वैल्यू जाए। मैंने कोलन एम्प्टी छोड़ दिया, मतलब सारी रोज में वैल्यू जाए। कॉमा से सेपरेट आउट करा, सेकंड सेक्शन किसका होता है? सेकंड सेक्शन होता है बेटा जी आपके कॉलम्स का। एक और एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं, एक और यहां पे हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं। चेक करो मेरे सारे बच्चे, फटाफट से चेक करो। मैंने यहां पे कंट्रोल सी किया, ये पूरा पेस्ट करा, एलओसी लगा रखा है, एक नया कॉलम बना लेते हैं, है ना। मैं सबकी डीओबी टाइप कर देता हूं, मान लो डेट ऑफ बर्थ, अभी मैं सबको कॉमन डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं कि यूजुअली सारे कौन से ईयर वाले, या मैं कर देता हूं लाइक मैं कॉलम का नाम दे देता हूं ईयर ऑफ बर्थ,
ईयर ऑफ बर्थ दे देते हैं कि ईयर ऑफ बर्थ के नाम से एक कॉलम बन जाए, है ना, और सबका कितना ईयर या कौन सी वैल्यू असाइन हो जाए। मान लीजिए हमने सिर्फ ईयर ईयर असाइन कर रहे हैं, मैं मान लो सबको दे देता हूँ लाइक 2004, मैंने सिर्फ एक ईयर लिख दिया कि 2004 बॉर्न है सारे के सारे, या 2003 बॉर्न है, जो आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है। इफ यू वांटेड लाइक जैसे 2003 बॉर्न और थ्री क्या कहते हैं फोर बॉर्न वाले हम सारे बच्चे, हमने यहाँ पे 2003 या 4 की एक डेट डाल दी। चेक करते हैं कि विल दिस बी एडेड टू द पर्टिकुलर डेटा फ्रेम और नॉट, लेट्स चेक आउट। ये देखो सारे लोग, ये रहा, ये आपके सामने, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके भी बताता हूं मैं आपको, आप लोग चेकआउट करो कि व्हाट इट इज गोइंग टू शो यू गाइस, आप इसको समझो। आपको यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, आपको यही चीज समझनी है। क्या चीज लगाई है हमने, df1.loc आगे के कोलन्स जो है ना, पहला जो यहाँ पे पहले जो कोलन्स हमने यहाँ पे दिए ना, ये पता ये क्या बोलते हैं, ना तो आपने रो कोई स्टार्टिंग बताई और ना कोई रो एंडिंग बताई, तो मतलब सारी की सारी रोज में वैल्यू चली जाएगी। इसका ब्लैंक का मीनिंग क्या है, ऑल रोज, सारी रोज में वैल्यू जाए। अच्छा, कॉलम साइड में आपने कौन सा कॉलम बना दिया, आपने एक कॉलम का नाम लिख दिया ईयर ऑफ बर्थ, तो आपने इस साइड पर कॉलम की साइड पर एक कॉलम का नाम लिख दिया कि भाई साहब हम एक कॉलम यहां पे बना रहे हैं ईयर ऑफ बर्थ के नाम से, हम यहां पे कॉलम बना रहे हैं, इक्वल्स टू करके हमने वैल्यू असाइन कर दी, लाइक 2003 हमने असाइन कर दिया। जी सर, अब पोस्टपोन होंगे या कैंसिलेशन, यार वेदू देख एक तारीख, इसके लिए 1 जून का वेट करो, तब देखते हैं हम। सर अगर हमने सेम नहीं रखनी हो तो वैल्यूज, मुस्कान चेंज करेंगे, बहुत बढ़िया चीज मुस्कान ने यहां पर बताई, आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज बदल सकते हो, एक लिस्ट फॉर्म में सेम नंबर ऑफ 5 वैल्यूज दे दो, बिल्कुल सही कॉलम बन जाएगा। लगाकर दिखाता हूं, चेक कर लो सारे लोग, आप लोग यहां पे, ठीक है। एक बड़ी प्यारी चीज बता देता हूं, देखो साथ साथ में हम यहां पे क्या कर सकते हैं बेटा, डिलीट लगा सकते हैं, डेल और कॉलम का नाम लिख देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए डेल df1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कॉलम का नाम दिया, देखो सारे लोग, ईयर ऑफ birth बर्थ। मैंने क्या चीज अप्लाई करी, मैंने डिलीट यहां पे कीवर्ड लगाया। इसको भी समझना, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि सर ये डिलीट काम करेगा या नहीं करेगा, हम चेक करते हैं। मैंने क्या चीज करी बेटा यहां पर, मैंने एक डिलीट कीवर्ड यहां पे अप्लाई करा, यानी कि डेल कीवर्ड अप्लाई करा, डेटा फ्रेम 1 के अंदर से मैंने कौन सा कॉलम रिमूव कर देना है, ईयर ऑफ बर्थ नाम का कॉलम हटा देना है। अच्छा, ओ पूरा कैपिटल है, ओ भी कैपिटल ही है हमारा, तो ईयर ऑफ बर्थ नाम का कॉलम मुझे हटा देना। इसको भी चेक करते हैं कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी, प्रिंटिंग लगाकर चेक कराता हूं, फिर से मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो मुस्कान का क्वेश्चन है ना हम फिर से अप्लाई करेंगे। चेक करो सारे लोग, आप फुल एंड फाइनल आंसर चेक करें जल्दी से, चल जा भाई, चल जा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, देखो आंसर, ये देखो सारे लोग, देखो यहां तक तो क्रिएट हुआ था, ये कॉलम के लिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेटा, ये कॉलम के लिए डेल, फिर हमने पूरे डेटा फ्रेम का नाम दिया और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हमने कॉलम का नाम दे दिया। आप देखो अगली बार में df1 को डिस्प्ले कराया, देखो गायब हो गया, यहां से गायब है कॉलम, ठीक है। अब जो मुस्कान का क्वेश्चन था कि सर क्या हम नया पर्टिकुलर कॉलम बना सकते हैं क्या, मतलब अलग अलग वैल्यूज के साथ बना सकते हैं क्या, चेक करो सारे लोग, आपके सामने लगाकर दिखाता हूं। कॉलम का नाम थोड़ा छोटा कर देता हूं, बहुत बड़ा हो गया, yob बना लेते हैं, ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। एक लिस्ट देता हूं, मान लीजिए एक लिस्ट फॉर्म में हम लोग वैल्यूज लिख रहे हैं। अच्छा, ईयर है, कैसी वैल्यू है, इंटीग्रल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप इसको स्ट्रिंग में दो। मान लीजिए मैं इसको इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में देता हूं, 2003 दिया, 2004 दिया, 2002 दिया, 2001 दिया किसी का ईयर, और 2003 दिया, ये मैंने यहां पर बंद कर दिया, मैंने एक लिस्ट फॉर्म में बना दिया। मैंने क्या दिया, मैंने एक लिस्ट अप्लाई करी, कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके सामने मौजूद है कि 5 रिकॉर्ड्स यहां पर मौजूद है, 5 वैल्यूज असाइन कर दी, 2003, 2004, 2002, 2001 एंड 2003। सेव करते हैं, रन करके आउटपुट दिखाते हो सारे लोगों को, सबके सब जने आउटपुट पर ध्यान दो, देखो ये रहा, इट्स इट, क्या कहता है, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, अलग अलग वैल्यूज विद ऑल द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, सबको विजिबल, यस और नो बोलो बेटा जी, बताओ फटाफट जल्दी से। एरर एरर मुस्कान, 4 वैल्यू दूंगा तो लेगा ही नहीं ना, आप सोचो, सुनो मेरी बात को, आप फिर वही गलत चीज पर अप्लाई कर रहे हो, सुनो
आप अगर यहां चार वैल्यूज दोगे, सुनना मेरी बात को, वो इसके शेप से मैच करेगा। किससे? शेप से। शेप क्या कहता है? पांच तो रो होनी चाहिए, दो कॉलम का शेप है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे क्या चीज लगा रहे हैं, प्रॉब्लम यही है कि हम यहां पे शेप के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, वो गलत हो जाएगा। सर पॉप और ड्रॉप यूज कीजिएगा। सुदर्शन, पॉप और ड्रॉप का यूज अलग अलग जगह होगा। मैं ड्रॉप कब यूज करके बताऊंगा, जब मुझे कोई रो हटानी होगी। अभी उसका हम यूज आगे करेंगे। जब कोई रो रिमूव करनी होती है ना आपको, तो रो रिमूवल के लिए आप क्या लगाते हो? ड्रॉप लगाते हो यहाँ पे, ठीक है। कोई रो रिमूव करनी, एक एक करके पढ़ेंगे। देखो फंक्शंस को थोड़ा सा टाइम दो, जल्दीबाजी में भागोगे ना, सारी चीजों को जल्दीबाजी में भगाओगे ना, तो सब मिक्स हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। पहले बताओ एलओसी सबको क्लियर है क्या? यस और नो, इतना ये वाला, इतनी चीज सबको समझ में आई क्या जो मैंने यहां पर अभी आपको बताया? दिस सेक्शन इज क्लियर टू ऑल और नॉट? फटाफट से बताओ, फिर मैं एक एक करके नेक्स्ट सेक्शन पर जाऊंगा। पॉप वाला सेक्शन, बाकी सारे सेक्शन सब लगा रहा हूं मैं, सारे लगा के दिखा रहा हूं मैं, सारे के सारे अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, चेक करते जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, एक वंशिका का क्वेश्चन था बीच में कि सर ये वाली चीज आप अप्लाई करके दिखाओ, मैं लगा के दिखाता हूं। वंशिका का क्वेश्चन है डिलीट में df1.year of birth लगा के दिखाओ, वो वर्क करेगा क्या? चेक कर लेते हम लोग कि क्या ये वाला df1 की इस तरीके से ये वर्क करता है या नहीं करता, ठीक है। हमने यहां पे पेस्टिंग करी फटाफट से, लेट्स जस्ट चेक आउट। मैं यूज कर रहा हूं इसमें, ओ भाई गलत चीज कर दी क्या मैंने कॉपी, ओके कोई बात नहीं। आई विल टाइप इट एज डेल df1 डॉट, कौन सा कॉलम हटाना है मुझे? y o b, मुझे ये कॉलम रिमूव करना है। मैंने अप्लाई किया, सेव करा, रन करके चेक करते कि क्या ये हमारा लास्ट कॉलम रिमूव करेगा या नहीं करेगा। आपके सामने वैल्यूज हैं, इसने एरर दे दी है, बिल्कुल रिमूव नहीं कर रहा। इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स सिंटेक्स है, ये उसी से रिमूव करेगा, ये इस तरीके का कोई सिंटेक्स नहीं होता। एट्रीब्यूट एरर बता दी इसने हाथों हाथ की, भाई ये एट्रीब्यूट में गड़बड़े, जबकि बना हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि YOB आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ, चेक कर लो, ये रहा, ये बना हुआ, YOB is present here, यहां देखो ये रहा, attribute error, there is no such YOB is allowed। सर रात 12 बजे अजमेर क्रॉस करूंगा, अरे क्या बात है वेदू, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बता दियो मैं आ जाऊंगा मिलने तेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब सारे के सारे लोग फटाफट जल्दी से आफ्टर दिस, ये चीज गलत है, ये लास्ट वाला सेक्शन हमारा बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, है ना। अच्छा अब एलओसी का एक बढ़िया काम और, एलओसी का एक बढ़िया रोल और, सारे लोग ध्यान से सुनना। कॉलम क्रिएशन हो गया, अब एक छोटी सी चीज और सिखानी है, बस एक लास्ट चीज और सिखानी है मुझे, ध्यान से देखो अब सारे लोग। मैं पहले तो डेटा फ्रेम दिखाता हूं सबको, देखो यहां तक फुल एंड फाइनल डेटा फ्रेम ये रहा, सबको विजिबल है क्या ये वाला डीएफ1? फटाफट से ओपी स्पैम कर दो। एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं इसके अंदर, बहुत क्लासी क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट से बता दो सारे लोग, जल्दी से जल्दी से, सारे लोगों को ये विजिबल है क्या? एक बहुत शानदार क्वेश्चन और एक और कॉलम इंसर्ट करने की एक नई ट्रिक, एक शानदार चीज और। अभी डीएफ1 के अंदर, अभी डीएफ1 के अंदर वैल्यूज हैं रोल नंबर, नेम, फिर हमारे पास दिया हुआ है, सारे लोग ध्यान से सुनना, हमारे पास यह दिया हुआ है मार्क्स, क्लास और वाईओबी, ठीक है। तो इस मार्क्स के बाद में, ध्यान से सुनना, इस मार्क्स के बाद में मुझे यहां पे ग्रेड इंसर्ट कराना है। क्या कॉलम चाहिए? मार्क्स के बाद में मुझे ग्रेड चाहिए। फिर क्या क्या आ जाएगा? यहां पे क्लास आ जाएगा और यहां पे वाईओबी आ जाएगा। मुझे क्या चीज करनी है? मुझे इन कॉलम्स के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराना है ग्रेड। वैल्यू वही की वही है, वैल्यूज में मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। S1, S2, S3, S4, S5, ये वैल्यूज वैसी की वैसी हैं। कौन बता रहा है मुझे इसका सिंटेक्स? फटाफट से चैट में स्पैम करो, देखते हैं कौन स्पैम करता है सिंटेक्स। बोलो जी, सबके मार्क्स 9 है तो मान लो सबका ग्रेड A1 है, सब जनों का ग्रेड A1 है, 500 स्टूडेंट्स का ग्रेड क्या है? A1। कौन मुझे स्पैम कर रहा है कि ये मैं कैसे बनाऊं? फटाफट से बता दो, आता है क्या किसी को? नहीं आता तो नो लिख दो जल्दी से, मैं सिखा देता हूं। जिसको आता है फटाफट से चैट में आंसर लिखो, लेट्स डू इट क्विकली, देखते कौन सा जना बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। सर सेंटर में इंसर्शन वाला नहीं आता है, अरे हर्ष जी आज सारी चीजें सीखेंगे, तू डर मत। मैंने क्या बोला, अब हमारे इस चैनल पे साइंस दुनिया पे सब कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम लेवल जीरो टू लेवल ओपी, डर मत। पोजीशन दे देंगे शायद, कैसे 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 कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस,
वंशिका उसमें वो रो ले लेगा, उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी जो वंशिका ने आंसर लिखा है। देखो वंशिका ने आंसर मेंशन करा है df1.loc अप्लाई करा, कोलन लगाकर यहां 3 दिया और कॉमा लगा के यहां पे हमने ग्रेड लिख दिया। प्रॉब्लम पता है क्या होगी इसके अंदर, ये रो सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है, ये रो सेक्शन हो गया। तो वो पता है क्या करेगा, वो यहां पे सिर्फ दो कॉलम्स को ही वैल्यू असाइन करेगा, कितनी A1, और कहां करेगा, एंड में करेगा, यहां ग्रेड बनाएगा और एंड में पता है कितने कॉलम्स को, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, इन 3 इंडेक्सेस की वैल्यू असाइन कर देगा। और वैसे तो ये एरर देगा, ये चलेगा भी नहीं, ये आउटपुट नहीं चलेगा, ये गलत है, इससे जो हमारा डिजायर्ड काम है ये नहीं होगा। और कोई जना आंसर बताना चाहे, कोई भी जना, इतने सारे हमारे बच्चे मौजूद है फटाफट से, किसी को आता ही नहीं आता, चले हम लोग आगे। मैं बताता हूं, देखो फटाफट जल्दी से, जब भी आपको कभी भी सेंटर में कोई भी कॉलम बनाना हो, सेंटर मतलब कहीं पर भी बनाना हो, कहीं पर, सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, मैं एक बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है। ये अभी मुझसे सिद्धेश्वर ने पूछा था कि सर एलओसी और आईएलओसी में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली एलओसी काम करता है इन नामों के ऊपर, सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा जवाब ध्यान से सुनना, एलओसी वर्क करता है, लोकेशन जो है ना, लोकेशन कीवर्ड वर्क करता है इन सब इंडेक्सेस पर, कॉलम वालों पर भी और रो वालों पर भी, रो वालों के लिए भी हम एलओसी लगाएंगे, ये सब एलओसी से काम करेंगे। लेकिन ILOC के लिए स्पेशल क्या कहते हैं, पोजीशंस होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेबल्स पर, बिल्कुल वंशिका बिल्कुल परफेक्ट चीज, इन्हें हम लेबल बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर ILOC के लिए पता है क्या, बाय डिफॉल्ट पोजीशंस हैं, इसकी पोजीशन कितनी है, बाय डिफॉल्ट 0 सबकी है, सबकी, इसकी पोजीशन कितनी है 1, इसकी पोजीशन कितनी है 2, इसकी पोजीशन कितनी है 3, इसकी पोजीशन कितनी है 4। ऐसे ही रो में भी इन सब की भी पोजीशंस हैं, जैसे इसकी पोजीशन है 0, इसकी भाई साहब की 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अगर आपको सीरीज याद हो, सीरीज के स्लाइसिंग में मैंने आपको पोजीशन सिखाई थी, सीरीज के स्लाइस वाले कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको पोजीशन का यूज करना सिखाया था, यहां पर भी ये सारी पोजीशन काम कर रही है। अब आप खुद देखो कौन सी पोजीशन पे ग्रेड चाहिए, थर्ड पोजीशन पे मुझे ग्रेड चाहिए, कैसे लगाऊंगा, अप्लाई करने का तरीका देख लो, सारे के सारे बच्चे फटाफट से चेकआउट करो कि हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आई एम अप्लाइंग इट एज df1 डॉट, ये सारा हटा दिया, ये बिल्कुल नया फंक्शन सिखा रहा हूं, चेक करो, df1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट का सिंटेक्स क्या है, अभी आपके सामने पता है, ये आपको सिंटेक्स भी शो कर सकता है, आप इसका सिंटेक्स भी चेक कर सकते हो, देखो ये रहा सिंटेक्स आपके सामने दिया हुआ है, मैंने हिंट ओपन कर दिया, हिंट में आप सिंटेक्स देख सकते हो। पहला सिंटेक्स में क्या वैल्यू आएगी, लोकेशन, कौन सी लोकेशन है, थर्ड पोजिशन, कॉलम का नाम, क्या नाम है, ग्रेड, वैल्यू कितनी वैल्यू दे रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं A1, मैं ये लगाकर दिखा रहा हूं, चेक कर लो सारे लोग फटाफट, लोकेशन दी थर्ड, कॉलम का नाम हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिख कर दिया, क्या चीज, हमारा ग्रेड, हमारा नाम क्या है, कॉलम का ग्रेड, एंड वैल्यू कितनी असाइन कर रहे हैं, वैल्यू सिर्फ असाइन कर रहा हूं A1, मतलब सारी रोज में कितनी वैल्यूज आ जाएगी बेटा जी, A1 आ जाएगा आपके सामने। मैंने यहां पर क्रिएट करा एक नया कॉलम ग्रेड नाम से, df1.insert, सबसे पहली चीज लोकेशन बतानी है कि कौन से कॉलम से पहले लगना है, मतलब कौन सी पोजीशन पर इसको बनना है, ठीक है, कॉलम का नाम बताना है कॉमा से सेपरेट करके, और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू बतानी है। हर्ष ध्यान दे, तेरा थैंक यू और बाय बाय और टाटा और टेक केयर से ध्यान यहां आएगा ना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे, ईजी चीज है, कोई हार्ड नहीं है। देखो ये रहा, इट इज क्रिएटेड, ये दिया हुआ, फिर से सुनो, फिर से समझो, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज, कैसे काम करेगा, आपको क्या लगाना है, यू हैव टू अप्लाई df1.insert फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन सेज सबसे पहली चीज क्या होने वाली है, सबसे पहली चीज होने वाली है लोकेशन, कॉमा से सेपरेट करोगे, दूसरी चीज क्या होने वाली है, दूसरी चीज होने वाली है कॉलम का नाम, और तीसरी चीज क्या होने वाली है बेटा जी, तीसरी चीज हमारी होनी चाहिए, क्या कहते हैं, होने वाली है वैल्यूज।
इसकी कौन सी वैल्यूज कब कहां पे हम लोग यूज करेंगे, ये रहा आपके सामने। सर ऐसा कभी फंक्शन पढ़ा नहीं था, कोई बात नहीं वंशिका, आज मैंने सिखा दिया। अभी अभी सिद्धेश्वर ने मुझसे एक चीज पूछी थी कि सर ये इसमें लाइनें कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टेबल का आउटलाइन कैसे आएगी, वो सब इसमें एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस दिए हुए, सारे ग्राफिकल फंक्शंस है, बट वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको वो वाली चीजों का जवाब नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि हम जब भी डेटा फ्रेम बनाते हैं ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, डेटा फ्रेम में आपको कभी भी यहां पे लाइंस नहीं बनानी होती है, कभी नहीं बनानी होगी, वो सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। हाँ, लेकिन ये इंसर्ट कई बार क्वेश्चन में आता है, पता है भी कुछ और बच्चों के भी प्रैक्टिकल्स में ये क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों ने मुझसे बीच में पूछा था प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे, मैंने उनको आंसर बताया था ये सॉल्व करके, इसलिए फंक्शन मेरे दिमाग में है कि अगर कभी भी आपको कोई कॉलम किसी भी जगह पर या स्टार्टिंग से लेके किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो उसे हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं हम लोग। क्लियर इतना सबको? थर्ड पर मार्क्स और वैल्यूज 10, बिल्कुल एक सेकंड बताता हूं, अब रुक जा हर्ष, दो मिनट वेट कर, उसी चीज पर आ रहे हैं सारे लोग। बता दो कॉलम इंसर्शन के सारे मेथड समझ में आ गए क्या? यहां से लेके यहां तक पांचों मेथड्स क्लियर होने चाहिए आपके सामने, हैं पांचों मेथड क्लियर होने चाहिए। नहीं हर्ष, नहीं गलत है ये, ऐसे नहीं होगा, वैल्यू चेंज का तरीका अलग है, बताता हूं मैं। सारे लोग ध्यान से सुन लो, एक क्विक रिकैप दे रहा हूं सबको, सारे बच्चों को फटाफट से एक बार ध्यान से सुन लो, एक क्विक रिकैप दे देता हूं इस चीज का, बहुत प्यार से सुनना और समझना अच्छे से क्या चीज है, कैसे बनाया, कौन कौन सा मेथड है। देखो आपके सामने मौजूद है, सबसे पहली चीज हमने क्या चीज करी है, डिक्शनरी यहां पर क्रिएट करी है, डिक्शनरी से हम क्या बना रहे हैं, डेटा फ्रेम 1 बना रहे हैं, दो कॉलम्स बनेंगे बाय डिफॉल्ट, एक रोल नंबर नाम का, एक नेम नाम का, रोल नंबर की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 और नेम की वैल्यूज है ABCDE, ये पांच वैल्यूज हमने यहां पे दी है, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाते वक्त मैं इंडेक्स चेंज कर दिया S1 S2 S3 S4 S5, तो इंडेक्सेस आगे के क्या है, S1 S2 S3 S4 S5। तीसरा कॉलम यहां पे हमने बनाया DF1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मार्क्स सिंगल कोट्स में लिखे और वैल्यू असाइन कर दी 9, इससे क्या होगा, एक तीसरा कॉलम बनेगा जिसमें सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 9 9 9 9, सारी वैल्यूज 9 आ जाएंगी, ठीक है। अगला सुनो अब आगे, इसके बाद में एक और मेथड नया कॉलम क्रिएट करने का, दैट मेथड इज LOC एट्रीब्यूट, LOC एट्रीब्यूट है हमारा, वो क्या है, df1.loc आगे रो कितनी रोज के लिए या कितनी रोज में ये वैल्यू फिल करेगा, हमने सिर्फ कोलन दिया, कोलन मतलब सारी रोज में, स्टार्ट भी एम्प्टी है और स्टॉप भी एम्प्टी है, ना तो स्टार्ट वाली वैल्यू में कुछ दिया है ना स्टॉप वाली वैल्यू में क्या कहता है कुछ दिया है। सारे लोग बस इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप df1 या जो भी डेटा फ्रेम का नाम .loc लगाओगे, LOC का सिंटेक्स यही होता है, कॉमा से सेपरेट आगे का सेक्शन है रोज का, पीछे का सेक्शन है कॉलम का, रो वाले सेक्शन के अंदर एक कोलन से सेपरेट करने का मतलब एक वैल्यू है स्टार्ट और एक वैल्यू है स्टॉप, दोनों एम्प्टी का मतलब ऑल वैल्यूज, दोनों एम्प्टी का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज इंक्लूड, इन सारी वैल्यूज पे कौन सा कॉलम बना रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर कॉलम का नाम कौन सा दिया था, क्लास, मैंने यहां पे कॉलम का नाम दिया है क्लास, कि भाई साहब सारी रोज के लिए एक नया कॉलम बनेगा क्लास जिसकी वैल्यू कितनी असाइन कर दी, 12 असाइन कर दिया, ये रहा एक और मेथड। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में वही हमने वैसे ही क्रिएट करा ईयर ऑफ बर्थ जिसमें वैल्यू थी 2003, इसको रिमूव करा पूरा एक कॉलम हटाने के लिए, डेल कीवर्ड लगाया, डेल डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम, पूरा का पूरा कंप्लीट कॉलम रिमूव, ठीक है। LOC अप्लाई करके अलग अलग वैल्यूज दी, अब की बार कैसी वैल्यूज दे दी, डिफरेंट वैल्यूज सारी की सारी, और लास्ट में एक इंसर्ट फंक्शन लगा के एक फिक्स्ड पोजीशन पे हमने क्या करा, कॉलम इंसर्ट करा, सबके आउटपुट सारे के सारे आउटपुट्स ये रहे आपके सामने, बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग आउटपुट। शुरू से दिखा देता हूं, ये डेटा फ्रेम, ये पहले मार्क्स कॉलम, फिर इसके बाद में क्लास वाली वैल्यू, ठीक है, क्लास वाला जो कॉलम बना, फिर इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ बना, फिर उसके बाद में डेल कीवर्ड लग गया तो ये साफ हो गया, फिर लास्ट में YOB बना, और YOB के बाद में इंसर्ट का यूज करके यहां बीच में ग्रेड बनाया, सबके ग्रेड A1 ये रहे सारे के सारे ग्रेड, ठीक है।
बताओ सारे लोग यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से यस और नो। अब एक अच्छी चीज और सिखाऊंगा आज की, फिर बाकी की चीजें कल सिखाऊंगा, कल इससे बियॉन्ड डिटेल में और नई चीज पर चलेंगे। स्पर्श ने नहीं, हर्ष ने लिखा है नहीं सर मैं वैल्यूज चेंज का नहीं बता रहा था, मैं एडिशन वाला बता रहा हूं जो मुझे अभी टिपिकल लग रहा है। नहीं हर्ष गलत है वो, हर्ष मेरी बात सुनना, तेरा आंसर गलत क्यों था, क्योंकि तूने वो मतलब गलत नहीं बोला, तूने सही चीज बताई है, लिखा बिल्कुल सही था, लेकिन अप्लाई करने का तरीका क्या है, पहली चीज ऊपर इंटीग्रल लोकेशन, फिर कॉलम का नाम और फिर वैल्यू, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मार्क्स एक्चुअली पहले से बना हुआ है तो दोबारा नहीं बना सकते। अब मेरे सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बड़ी मस्त चीज बता रहा हूं, बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, सुन लो इधर ही, क्योंकि एलओसी आज खत्म है, आज पूरा एलओसी एंड करेंगे, कल आगे नई चीजें उठाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं एक बड़ी प्यारी चीज अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है सारे लोग देखो, प्रिंट ब्लैंक दिया और प्रिंट में मैंने यहां कुछ अप्लाई करना है ना, मैं सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहता हूं। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, एलओसी सिखा रहा हूं सारे जनों को, एलओसी अभी खत्म नहीं हुआ, पहले क्लियर कर रहा हूं, एलओसी अभी एंड नहीं हुआ है, एलओसी से प्रिंटिंग भी अलाउड है। अभी तक तो एलओसी से क्या चीज हो रही थी, वैल्यू चेंज हो रही थी या नया कॉलम बन रहा था। अब सारे लोग ध्यान से सुनो, एलओसी का यूज df1.loc प्रिंट के अंदर दिया, इस मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करे, एम्प्टी कोलन पहला यानी कि सारी रो और एम्प्टी कोलन दूसरा यानी कि सारे कॉलम। पहली चीज क्या डिस्प्ले करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरे सारे बच्चे, प्लीज ध्यान से सुन लो, ध्यान से, मैंने डीएफ वन में एलओसी अप्लाई करके एम्प्टी एम्प्टी दोनों वैल्यूज ब्लैंक दे दी, मतलब एक कोलन एम्प्टी रोज के लिए पूरा, कॉमा से सेपरेट करके एक कोलन एम्प्टी कॉलम्स के लिए पूरा, मतलब मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा फ्रेम क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। लेट्स चेक आउट, रन करके देखते हैं कि क्या पूरा का पूरा ये सेम टू सेम आंसर दो बार है या नहीं है हमारा, चेक कर लेते हम लोग। देखो सारे बच्चे ये रहा, सबको विजिबल है क्या, यस yes लिख दो, ओपी स्पैम कर दो तभी आगे सिखा पाऊंगा, अगर ओपी स्पैम नहीं करोगे, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, मैं क्योंकि अब स्लाइसिंग सिखा रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं यहां पे, सबसे जरूरी और काम की चीज, फटाफट से बताओ सारे लोग ये चीज क्लियर है क्या सबको, यस और नो। सारे कॉलम आ गए, सब कुछ आ गया, मैंने क्या चीज करी थी, मैंने यहां पे एम्प्टी कोलन्स दिए, इसका मतलब क्या चीज हुई, सारी की सारी रो सिलेक्ट हो गई और सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। ये सबको क्लियर बताओ सारे लोग फटाफट, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड स्पर्श, वेरी गुड भावना, एनीबडी एल्स जो और मौजूद है फटाफट से लिख दो, ओपी समझ में आया या नहीं, हर्ष बोल भाई जल्दी कर यस और नो, फटाफट से बताओ और लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं करा। अब सारे नहीं चाहिए, अब कुछ फिक्स चीजें चाहिए लिमिटेड। अब चालू करते हैं असली मजा, इस क्वेश्चन का असली मजा, ठीक है। सारे कॉलम नहीं चाहिए, कौन कौन से कॉलम चाहिए, रोल नंबर, मार्क्स, क्लास, तीन कॉलम की बात कर रहा हूं, एक चाहिए रोल नंबर, एक चाहिए मार्क्स और एक चाहिए क्लास। ध्यान से देखो क्या अप्लाई कर रहा हूं प्रिंट में, मैंने प्रिंट में क्या चीज अप्लाई करी बेटा, मैंने प्रिंट में लिखना है df1.loc आगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करें, मैंने रो वाला सेक्शन खाली रखा कि रोज सारी चाहिए, मतलब रोज सारी की सारी चाहिए, पर कौन कौन से कॉलम चाहिए यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट बना रहा हूं। पहला कॉलम चाहिए भाई साहब रोल नंबर, दूसरा कॉलम चाहिए कॉमा से सेपरेट करा भाई साहब मार्क्स चाहिए खाली, और तीसरा कॉलम भाई साहब मान लो मुझे चाहिए क्लास। सिर्फ तीन कॉलम उठा रहा हूं, कौन कौन से तीन कॉलम पिक कर रहा हूं, मैंने यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक लिस्ट बना दी कॉलम्स की जगह पे, कॉलम वाले एरिया में लिस्ट बना दी कि मुझे रोल नंबर चाहिए भाई साहब एक तो कॉलम, मुझे मार्क्स चाहिए और मुझे क्लास चाहिए। सेव कर रहा हूं, रन करके चेक करते हैं क्या इसका आंसर यहां पर इंक्लूड होता है या नहीं होता, चेक कर लो। पहले तो दो बार क्या आएगा, डेटा फ्रेम आएगा, फिर इसका अलग आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है। देखो ये रहा, दो बार डेटा फ्रेम आ चुका है और कौन कौन से कॉलम चाहिए थे आप तो इसको चेक करो, मुझे चाहिए था रोल नंबर, मुझे चाहिए थे मार्क्स, मुझे चाहिए थी क्लास, कितनी, सारे रोज S1, S2, S3, S4, S5 सारी रोज। बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, ब्रैकेट्स की ये लाइन, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया, ये क्या तरीका है, ये कैसे कर रहे हो सर आप, कैसे हो रहा है ये बता रहा हूं। df1
डॉट एलओसी लगाया, आगे वाला सेक्शन होता है रोज का सेक्शन, तो रो तो मुझे सारी चाहिए, मैंने यहां पे कोलंस लगाकर छोड़ दिया कि सारी रोज चाहिए, ऑल रोज। इससे क्या चीज क्या कहते हैं डिनोट हो रही है कि मुझे सारी रोज चाहिए। कॉलम कौन कौन से चाहिए, मैंने यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया कि भाई साहब मुझे एक तो रोल नंबर चाहिए, फिक्स कौन कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे एक मार्क्स चाहिए था और एक मुझे कौन सा चाहिए, यहां पे मान लीजिए मुझे क्लास चाहिए था, तो मैंने वो एक लिस्ट बना दी। ये एक लिस्ट है, यहां तक ये वाला ब्रैकेट ओपन था, ये बंद करा, एक प्रिंट का ब्रैकेट ओपन था, प्रिंट बंद करा, क्या चीज में लगाया हुआ है, ये प्रिंट के अंदर लगाया है। बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो बेटा जी फटाफट जल्दी से यस और नो, ओपी स्पैम मारो जल्दी बता दो, इज इट क्लियर टू ऑल, बताओ पक्का सबको समझ में आई ये वाली चीज, एवरीबडी गॉट दिस लाइन, ये कैसे वर्क कर रही है, ये पेपर में आएगा 110% बोल देता हूं, ये सिलेक्शन पेपर में आएगा पक्का, ये वाली चीज पेपर में आने वाली है, ठीक है। अच्छा इसी के ऊपर, अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो सर फिर से मैं ये नहीं यूज होगा ऐसे में, सर फिर ऐसे में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, कोलंस नहीं काम करेंगे, एक्चुअली मुझे फिक्स कॉलम चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे फिक्स कॉलम चाहिए तो मुझे कोलन की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने सारों की एक लिस्ट दे दी बना के। अब सुनना मेरी बात, अब मैं रो में भी लिस्ट बना रहा हूं कि मुझे सारी रो नहीं चाहिए, मुझे कुछ फिक्स रोज चाहिए, ध्यान से सुनो, एक एक चीज लगा के बता रहा हूं, सब लगा के बता रहा हूं, सब सारे कॉन्सेप्ट सब चीज लगा के बता रहा हूं। रो सेक्शन में भी क्या चाहिए, मुझे कुछ फिक्स वैल्यूज ही चाहिए, जैसे कौन कौन सी, मैंने एक लिस्ट बना दी कि भाई साहब एक तो S1 चाहिए, फिर उसके बाद मुझे S4 चाहिए, फिर उसके बाद मुझे S3 चाहिए और लास्ट में S5 चलो हटाई दो, S5 नहीं चाहिए, S1 S4 S3 ऑर्डर भी चेंज कर दिया, सारे लोग ध्यान से सुनना, मैंने ऑर्डर यहां पे आप जान के चेंज करके लिखा है, तो ऑर्डर भी चेक करते हैं ये किस ऑर्डर में डिस्प्ले कराएगा, सब लोग सुनना और समझना, हम df1.loc अप्लाई कर रहे हैं, सारी रोज नहीं चाहिए, मैंने रो के सेक्शन के लिए भी एक लिस्ट बनाई और कॉलम के सेक्शन के लिए भी एक लिस्ट बनाई, ठीक है। चेक करते हैं कोड को, रन करते हैं सेव करके, आप आउटपुट चेक करो, ये रहा आंसर, देखो सारे के सारे लोग, पहले तो यहां पे तीन कॉलम सेट हुए, उन कॉलम में कौन सी रो, S1 वाली, जो हमारा ऑर्डर है, जो हमारा ऑर्डर है, पहले S1 फिर S4 ये देखो ये रहा, फिर S3 ये रहा, बताओ ये चीज सबको क्लियर हुई या नहीं हुई। सिर्फ LOC सिखा रहा हूं इसलिए किसी और कीवर्ड पे नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ LOC वर्क कर रहे हैं हम, सिर्फ एक ही कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, LOC कीवर्ड बिल्कुल मस्त तरीके से। बोलो सारे लोग ये चीज क्लियर आया समझ में बेटा जी, बताओ बोलो 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 फटाफट से बोलो, बस लास्ट चीज, एक आखिरी चीज आज, बस आखिरी चीज, इसके बाद में कल इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, कल यहीं से इसी को उठाऊंगा मैं, डायरेक्ट LOC का यूज करना सिखाऊंगा, सिलेक्शन करना सिखाऊंगा, ये सब चीज करेंगे, ये सारी चीज करेंगे हम लोग। आया सबको समझ में, ये वाली चीज क्लियर हुई क्या, बहुत बढ़िया। अब एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, स्लाइसिंग का एग्जाम्पल देखो कि स्लाइस कैसे काम करता है, ठीक है, स्लाइस कैसे काम करेगा इस चीज के अंदर, स्लाइस बनाकर दिखाता हूं सारे बच्चों को, चेक करो मेरे सारे बच्चे। सर सीरियल वाइज नहीं चलता, जैसे डेटा फ्रेम में सीरियल वाइज दिया है ना, जैसे आपने S1 S4 S3 कर दिया बिना सीरियल वाइज, मर्जी हमारी हर्ष, मर्जी हमारी, जैसे सीरियल वाइज बनाना है वैसे भी बना सकता है, दिखा रहा हूं देख मैं, देखो स्लाइस बना के दिखा रहा हूं, चेक करो। अब मैं चाहता हूं कि रो वाली वैल्यूज कौन कौन सी डिस्प्ले हो, S2 से लेके S4 तक की, सारे लोग ध्यान से देखो, S2 से लेके S4 तक की तो रो आ जाए, ये लिखा मैंने स्लाइस, कहां से कहां तक रो, S2 वाले इंडेक्स से शुरू होगी ये रही, और कौन से वाले तक जाएगी, S4 तक जाएगी, स्लाइस बना रहा हूं अपने आप, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप दे दिया, ये स्टार्ट दिया और ये स्टॉप दिया, बाय डिफॉल्ट स्टेप कितने ले लेगा, 1-1 का स्टेप ले लेगा। कॉलम कौन कौन से चाहिए आप ध्यान से सुनना, कितने कॉलम्स है हमारे पास में, ये देखो मैं यहां से देता हूं, नेम से लेके क्लास तक के कॉलम चाहिए, मान लो मुझे सारे, मैंने अप्लाई करना है, सिंगल कोट्स में लिख देना है नेम और सिंगल कोट्स में लिख देना है क्लास, ध्यान से समझो ध्यान से देखो, मस्त चीज आपके सामने, एक स्लाइस बनाया LOC में कि इंडेक्स कहां से शुरू होगा, S2 से लेके S4 तक, और कॉलम्स कहां से जाएंगे, नेम से लेके क्लास तक के कॉलम जाएंगे। आंसर चेक कराता हूं सारे लोग प्यार से, आंसर देखो लास्ट वाला, देखो बेटा जी सबसे पहला इंडेक्स S2,
अगला S3, अगला S4। अच्छा, इसमें स्टॉप वैल्यू इंक्लूड होती है। LOC में जो आप स्टॉप वैल्यू दोगे ना, ये स्टॉप वैल्यू इंक्लूड होगी। S4 भी है, देखो जरा कॉलम कहां से कहां गए। नेम से शुरू करना है, क्लास तक जाना है, सारे आ गए। नेम, मार्क्स, ग्रेड, क्लास, चारों कॉलम मौजूद है, चारों के चारों कॉलम यहां तक मौजूद है। बताओ ये इतनी चीज LOC समझ में आया या नहीं आया। ये पूरा खेल LOC का है, कहां से कहां तक इंक्लूड है। बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल इंक्लूड है। ये पूरा खेल LOC का है। कहां से शुरू करा था हमने? LOC से कॉलम क्रिएशन चालू करा था कि कॉलम कैसे बनाएंगे, और कॉलम बनाने से लेके अब हम स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग में वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर अलग अलग वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हैं जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है। कल इसी से शुरू करूंगा, आगे कल की 8 बजे वाली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा कि मैं अलग अलग कॉलम की वैल्यूज आप लोगों से पूछूंगा कि कैसे इनको डिस्प्ले कराएंगे। आप मुझे ये पूरा आंसर बताते जाएंगे। पहले LOC खत्म करेंगे, फिर ILOC पर जाएंगे, एट और IAT अपने आप आ जाएगा। बताओ कोई डाउट आज की क्लास में, येस और नो जल्दी से लिख दो प्लीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट पसंद आया होगा, ये चीज क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट्स ले लेना बीच बीच में इसको रोक के, आप लोग भी प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिस करके बना सकते हो, क्योंकि ये चीज पक्का शोर पेपर में आएगी। ये चीजें पक्का शोर आपको पेपर में मिलने वाली है। IP वालों को तो ये चीजें जरूर मिलेगी, कॉलम क्रिएशन से लेकर, कॉलम क्रिएशन से लेकर स्लाइसिंग तक, कि आप डेटा फ्रेम में कैसे स्लाइसिंग करोगे, ये सब चीजें आपको पेपर में मिलने वाली है पक्का। और 9 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ये 9 मार्क्स में आएगा, ये कम से कम 8 to 9 मार्क्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, सी यू ऑल टुमारो इन द इवनिंग। कल 12 बजे भी क्लास है, कल 12 बजे MySQL की क्लास है। जिस किसी को 12 बजे MySQL का रिवीजन करना हो, एक क्विक पूरा रिकैप और साथ साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो जिसको MySQL पढ़ना हो, कल 12 बजे हमारे चैनल पर MySQL की क्लासेस चालू। थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस रिमेनिंग टाइम एंड स्टे सेफ एट योर होम्स। थैंक यू सो मच गाइज।